बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमने लेंथ वाले चैप्टर को शुरू किया हुआ है और हमने लेंथ का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया और हमने डिफाइन किया था लेंथ को कि लेंथ जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक ऐसा पीस होता है जिसकी एक या दोनों सतह कर्वी होती है, किसी कर्वेचर का, किसी दायरे का, किसी स्फीयर का हिस्सा होता है, ठीक है बेटा। और फिर हमने ये देखा था कि लेंसेज की दो टाइप्स होती है, कन्वेक्स लेंस एंड कंकेव। बेटा कन्वेक्स लेंस वो लेंसेज होते हैं जिनके किनारे पतले और दरमियान से मोटे, ठीक है, थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द सेंटर, ठीक है बेटा। ऐसे लेंसेज को हमने कहा था कि ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है। कौन से लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस वो होते हैं जिनके ऊपर रोशनी की शुआ पड़े तो वो उसको एक नुक्ते पे जमा कर देते हैं, एक नुक्ते पे जमा कर देते हैं, एक जगह पे रोशनी को जमा कर देते हैं। जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इनके अंदर बेटा जो ग्लासेस हैं या जो लेंसेज हैं वो अगर आप देखें तो किनारों से पतले हैं और दरमियान से मोटे हैं, ठीक है बेटा। ये जो लेंसेज होते हैं ये रोशनी को एक जगह पे जो है वो फोकस कर देते हैं। देखें अंदर आ रहा है आपको कि ये रोशनी को एक जगह पे जो है ये जमा कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो लेंस होते हैं बेटा उनको कहते हैं कंकेव लेंस। कौन से लेंस? कंकेव लेंस। वो इनके ऑपोजिट होते हैं, वो दरमियान में से थिनर होते हैं और किनारों से थिकर होते हैं, मोटे होते हैं। तो इसका अगर आप देखें तो जो कंकेव लेंस होते हैं वो सेंटर से पतले, मैं ये बेटा डबल कंकेव बना रहा हूं, यानी आप देखें कि ये जितने भी कन्वेक्स लेंस बने इन दोनों की जो सतह है वो एक कर्वेचर का हिस्सा है, होल है, ऐसे ही ना बेटा। और जो कंकेव लेंस होता है वो दरमियान से थिन होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं। इनके अंदर जब लाइट जाती है, जब किसी कन्वेक्स लेंस के अंदर लाइट जाती है, यूं सीधी लाइट आए तो वो एक नुक्ते पे जमा हो जाती है, एक नुक्ते पे जमा हो जाती है, जबकि कन्वेक्स लेंस कंकेव लेंस में अगर रोशनी की पैरेलल शुआएं आए तो वो फैल जाती है, तो क्या करती है? फैल जाती। इसलिए बेटा जो कंकेव लेंसेज हैं इनको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर फैला देते हैं। और जबकि कन्वेक्स लेंसेज को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये रोशनी को एक जगह पे एक नुक्ते पे जमा करते हैं, ठीक है बेटा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है बेटा। अब कुछ और बेसिक टर्म्स को हम देख लेते हैं, मजीद जो हमने देखी थी। हमने बेटा ये देखा था कि ये जो लेंस होता है ये जिस कर्व का हिस्सा होता है उस दायरे के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस दायरे को ऐसे बनाऊं तो इसका जो सेंटर ऑफ जो दायरे का बल करें कि ये वाली सतह है, अगर मैं बनाऊं यहां पे ये लेंस है और इस दायरे को मैं ऐसे गोल कर दूं तो ये जो दायरे का सेंटर होगा इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा, ठीक है बेटा। ये आपने याद रखने की पिछली टर्म में से। फिर हमने एक और टर्म पढ़ी थी कि लेंस का इटसेल्फ एक सेंटर होता है, लेंस का इटसेल्फ एक सेंटर है ना बेटा, ये जो डॉट नहीं है, ये लेंस के अपने अंदर एक सेंटर होता है। इस सेंटर को बेटा कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इस नुक्ते और फर्ज करें कि ये वो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के दरमियान जो सीधी लाइन जाती है इस लाइन को बेटा हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? ये बेटा वो लाइन होनी चाहिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर दो नुकात के दरमियान में सीधी गुजरे। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा आगे चलते हैं मजीद टर्मिनोलॉजी की जाने। यहां पे अगर आप देखें तो ये इसको हम क्या देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या कह देते हैं? ये सारे नुकात ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप देखें तो ये निशान लगे हुए हैं एफ और टू एफ। एफ और टू एफ। बेटा जो एफ है इसको कहते हैं फोकल पॉइंट। एफ को क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट। अब फिर वही लेंस बनाते हैं हम फर्ज करें इसको समझने के लिए, ये फोकल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है बेटा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के जब ये लाइनें आती हैं रोशनी की शॉप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आएगी तो ये लेंस में से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट होती है। क्या होती है? मुड़ती है। तो इसका जो मुड़ना है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक खास मुकाम से काटता है, जहां पे ये काटता है इस मुकाम को कहते हैं एफ।
फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे रोशनी आके फोकस होती है। इधर से भी अगर नीचे से लेके आए तो यहां से भी टकराएगी, तो ये भी एफ से। ये जो नुक्ता है इसको फोकल पॉइंट कहते हैं। और इस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस लेंथ के दरमियान जो फासला है बेटा फोकल पॉइंट के दरमियान, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ की फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, अब आपको समझ आ गया कि एफ क्या है। एफ वो जगह है जहां पे आके रोशनी की श्वाएं रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सेस को काटती है, क्रॉस करती है, वो पॉइंट फोकल पॉइंट है। और 2F क्या है? तो जितना ये फासला है इतने ही फासला अगर हम आगे लगा दें निशान, तो ये डबल F यानी 2F हो। ऐसे ही ना बेटा, ये आपने पॉइंट्स याद रखे। अब इसी क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं डायग्राम सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंसेज के हवाले से, तो हमें सिर्फ कन्वेक्स लेंस की ये जो कन्वर्जिंग सिस्टम है इसको समझना है कि अगर इस सिस्टम के अंदर अगर ये हमारे पास लेंस हो, जैसे कि ये लेंस है, हम इसमें देखना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 2F से पीछे पड़ा है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है बेटा, उसका इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा, इस बेटा सिस्टम को समझने के लिए, इस प्रोसेस को जो समझना है या ड्रॉ करना है, इसको कहते हैं रे डायग्राम। क्या कहते हैं बेटा? रे डायग्राम। तो किसी भी लेंस में से या किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर उसके सामने, लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसका इमेज कैसा बनता है, कहां बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इनको अगर हम समझना चाहते हैं, लेंसेज की इन क्वालिटीज को समझना चाहते हैं, तो उसको जब हम ड्रॉ करते हैं लाइनों की शक्ल में तो उसको कहते हैं रे डायग्राम। उसको क्या कहते हैं? रे डायग्राम। आज बेटा हम 5 कंडीशन पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंसेज के हवाले से। कितनी कंडीशन पढ़ेंगे? 5 कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2F से पीछे पड़ा है। ये एक चीज है जो इस लेंस के 2F के लेंथ के पीछे पड़ा है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका इमेज कहां पे बनेगा, इसका इमेज कहां पे बनेगा। लेट्स ड्रॉ दिस इमेज। हम कोशिश करते हैं इस इमेज को ड्रॉ करने, हमने वो प्रिंसिपल्स याद रखने। ठीक है बेटा, अब इससे हमने दो लाइन, एक बात और याद रखनी। हमने एक चीज तो जिक्र कर ली कि जब लाइनें कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकल पॉइंट से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकल। लेकिन बेटा ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है कि इसमें से जहां से भी रोशनी गुजरे वो बगैर मुड़े गुजर जाती है। बगैर मुड़े गुजरते, प्रिंसिपल फोकस से जब भी लाइन गुजरेगी तो वो बगैर मुड़ेगी। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना। ठीक है, अब आप जब इन तीन कंडीशंस को जब हम देखेंगे, मुख्तलिफ जो 5 कंडीशंस है इनको जब हम देखेंगे तो हम इन्हीं असूलों की बुनियाद पर हम लाइनें, क्योंकि ये रेडियल स्केल बेटा, तो हम लाइनें खींचेंगे। अब यहां से हम शुरू करते हैं, अब हम प्रॉपर स्केल से खींचेंगे। ठीक है बेटा, ताकि सही, जब हम सही मेजरमेंट के साथ और सही जो है कैलकुलेशन के साथ सही सही लाइनें लगाते हैं तो हमें बिल्कुल वही रिजल्ट मिलते हैं जो ओरिजिनली लेंस में मिलते हैं, जो ओरिजिनली लेंस में देखने से मिलते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम इनको सिर्फ लर्निंग हासिल करते हैं कहां पे बनते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट में हम इसको डिमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। हम क्या करेंगे? डिमोन्स्ट्रेट भी, स्क्रीन पे डिमोन्स्ट्रेट भी। ठीक है बेटा, तो पहली कंडीशन पे चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2F से पीछे पड़ा जी। सबसे पहले बेटा जब भी आपने रे डायग्राम बनानी है, जो भी ऑब्जेक्ट हो उसके हेड से ऊपर वाले पॉइंट से आपने दो लाइनें खींचनी है, दो रेज खींचनी है। कौन सी रेज खींचनी है? दो रेज। एक आपने खींचनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुतवाजी, ठीक है, और दूसरी आपने खींचनी है ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी गुजर जाए, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी गुजर जाए। तो लेट्स स्टार्ट, हम ऐसा करते हैं जी। देखो बच्चों, पहली कंडीशन वही दो लाइनें जैसे मैंने आपको बताई थी, एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इसके हेड से यूं ये पैरेलल लाइन आ गई और उसने लेंस को टच। ठीक है बेटा, और दूसरी रे मैंने आपसे कहा है वो इसके हेड से आपने ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी। कहां से गुजारती है? ऑप्टिकल जी। तो अब हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजार देंगे बगैर मुड़े। ठीक है बेटा,
अब ये जो लाइन है मैंने आपसे कहा था प्रिंसिपल फोकस के जो पैरेलल आती है वो हमेशा एफ से गुजरती है। कहां से गुजरती है? तो अब हम इस ऊपर वाली लाइन को एफ से गुजारते हैं। तो ये बेटा एफ से गुजरी। अब जब ये एफ से गुजरी तो आप देखें कि इसने निचली लाइन को कहां पे क्रॉस किया? एफ और टू एफ के दरमियान। कहां पे क्रॉस किया? एफ और टू एफ के दरमियान। अब मैं इसकी डायरेक्शन भी बना लेता हूं कि ये लाइन इधर से यू जा रही है, ये इधर से रे जा रही है ताकि रोशनी की शुआ न रहे। ऐसे क्या है बेटा? जी सर। जी सर। अब अगर आप गौर से देखें जहां पे ये क्रॉस कर रही है बेटा, जी सर, वहां पे आपने इमेज बना लेना। तो क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसलिए ये इमेज उल्टा हो, क्योंकि अगर ऊपर बनेगा तो ये सीधा है और नीचे बनेगा तो ये। जी अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप इस इमेज की प्रॉपर्टीज आप देखिए, ठीक है बेटा? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो इमेज है ये एफ और टू एफ के दरमियान बन रहा है। कहां बन रहा है? एफ और टू एफ के दरमियान बन रहा है, नंबर एक, ठीक है बेटा? पहली ये इसकी प्रॉपर्टी नजर आ रही है। दूसरी हमें इसकी प्रॉपर्टी क्या नजर आ रही है? वो हमें ये नजर आ रही है कि ये इमेज उल्टा है। क्या है? इन्वर्टेड है। इसका हेड ऊपर तो है, तीर का निशान बेटा ऐसे ही है ना, और इसका निशान क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो ये उल्टा हो। इसका हेड नीचे है तो ये क्या है? इन्वर्टेड। क्या है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड इमेज। दूसरी बात आपने ये याद हो। तीसरी बेटा इसकी क्वालिटी क्या है कि इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है, स्मॉल। तो ये बेटा पहली कंडीशन की डायग्राम है, ठीक है बेटा? ये फर्स्ट कंडीशन की डायग्राम। अब हम सेकंड पे चलते हैं। तो बेटा अगर हम सेकंड को गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये इसका ओल्ड है। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो टू एफ से पीछे है और इमेज एफ और टू एफ के दरमियान बन रहा है। यहां पे आप देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और टू एफ के दरमियान है। आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि ये हमेशा अपोजिट बनते हैं। जी सर। इस कंडीशन का अपोजिट यहां पे बनेगा। आप गेस करें कि इसका इमेज कहां बनेगा? टू एफ के बाद बनेगा और इससे बड़ा होगा, उल्टा होगा, ठीक है बेटा? क्योंकि इसका अपोजिट कहां होगा? ये बिल्कुल मिरर इमेज है। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे की मिरर इमेज है। जी अब हम क्या करते हैं कि ये अब देखें, वही दो लाइनें उसके हेड से टॉप से हमने दो लाइनें खींचनी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचनी है, मुतवाजी, ये इसके मुतवाजी रख के खींचनी है, ठीक है बेटा? इसके हेड से मुतवाजी। ये फर्स्ट रे आ गई यहां तक। दूसरी ये मैंने आपको क्या बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से आपने बिल्कुल सीधी गुजार देनी है बगैर मोड़े, ऐसे ही है ना? जी सर। तो ये हम गुजारते हैं जी। अगर आप बेटा कैलकुलेट करके इसको एहतियात से बनाए तो बिल्कुल रिजल्ट जो है वो रियल फाइंडिंग की तरह ही आते हैं, ठीक है बेटा? ये आप रेस बन। अब आपको मैंने बताया था कि जब ये पैरेलल आती है तो वो कहां से गुजरती है? फोकल पॉइंट। कहां से गुजरती है? फोकल पॉइंट। इस रे को आपने कहां से गुजारना है? फोकल पॉइंट। कहां से गुजारना है बेटा? फोकल। ये फोकल पॉइंट से हम इसको गुजार देते हैं। ये फोकल पॉइंट से गुजरती है। जी सर। अब जहां पे ये दोनों रेस क्रॉस कर रही है दूसरे को, वहीं पे इमेज बनेगा। ऐसे ही कहा था ना बेटा? जी सर। तो यहां पे इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। अब यहां पे हम इसका इमेज बना लेते हैं और ये आप इमेज हैरान होंगे कि जो पहली डायग्राम है ये उसका बिल्कुल मिरर इमेज है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इमेज बना दें और इमेज को ऑब्जेक्ट बना दें, अगर आप उसको और इसको देखें तो ये कंडीशंस एक दूसरे की मिरर इमेज है। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट टू एफ के बाद बनाया था, यहां पे इमेज टू एफ के बाद बन रहा है। यहां पे जो इमेज था वो एफ और टू एफ के दरमियान बन रहा था, यहां हमने ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के दरमियान। तो आप देखें कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब इनकी क्वालिटीज को भी देखिएगा कि यहां पे ऑब्जेक्ट कहां खड़ा हुआ था? एफ और टू एफ के दरमियान यहां, ठीक है, और इमेज कहां पे बना था? एफ और टू एफ के दरमियान। यहां पे आप देखें टू एफ के बाद बन रहा है।
कहां का था पहली कंडीशन बियॉन्ड बियॉन्ड टू एफ इमेज कहां बन रहा है बियॉन्ड टू एफ बियॉन्ड के बाद ठीक है। दूसरा नंबर आप देखें इन्वर्टेड है क्या है इन्वर्टेड उल्टा है ऐसे ही है ना तीर का निशान नीचे आ गया उसके नीचे को बन रहा है जी सर क्योंकि रोशनी की शुआएं मुड़ गई जी सर। तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे स्मॉल बन रहा था यहाँ पे बिग बन रहा लार्ज ऐसे ही बेटा तो ये बेटा होगी दूसरी कंडीशन भी जो आपकी सिलेबस में ठीक है। नाउ वी मूव थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन में देखें अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा हमने टू एफ से पीछे रखा था हम उसको टू एफ के ऊपर लेके कहां पे लेके आते हैं टू एफ के ऊपर जी। अब यहां से भी हमने कोई दो रेस खींच ली है उसके हेड से एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी है और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जी। तो बेटा वही काम दोबारा करते हैं पहले हम खींच लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से उसके टिप से ऑप्टिकल सेंटर तक ये फर्स्ट लाइन बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर से आपने गुजार दी ठीक है। अब सेकंड जो है वो आपने इसके पैरेलल गुजार दी है ठीक है बेटा किसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। अब देखें अब इसको हमने गुजारना है कहां से एफ से अब इसको कहां से गुजारना है जो भी पैरेलल आती है वो एफ से होके गुजरती है कहां से होकर गुजरती है ये क्रॉस हुई बेटा। अब जरा गौर से देखें कि इमेज क्रॉस कहां पे कर रही है ये सारी रेस दोनों रेस लेंथ में से गुजरने के बाद कहां पे क्रॉस कर रही है ठीक है बेटा। तो यहां पे हम थोड़ी देर के लिए टू एफ को ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि यहां पे हमने टू एफ यहां पे भी हम एफ को ऊपर ले जाते हैं ठीक है ताकि रेस को डिस्टर्ब ना हो ये इसका एफ का बाकी नहीं बेटा जी। अब देखें वेरी सिंपल आप ध्यान होंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट टू एफ पे पड़ा होगा उसका इमेज टू एफ पे बनेगा ठीक है। और उसके बाद यह है कि ऑब्जेक्ट टू एफ पे बन रहा है इमेज भी टू एफ पे पड़ा है इन दोनों का साइज भी एक जैसा इन दोनों का साइज भी एक जैसा है लेकिन फर्क क्या है उल्टे फर्क क्या है उल्टे ठीक है। यहां पे क्या क्या कंडीशन आई पहले इसकी पोजीशन बताए कहां बन रहा है पहले एट टू एट नंबर टू इन्वर्टेड उसकी उसकी जो शक्ल है सीधा है कि उल्टा है इन्वर्टेड क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है ठीक है इन्वर्टेड है। नंबर टू आप थ्री नंबर देखें किसमें इक्वल साइड इक्वल साइड क्या है इक्वल नंबर थ्री इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल बिल्कुल ठीक है बेटा। ये हो गई इसकी हमारी ये सेकंड कंडीशन थी ये अब थर्ड कंडीशन हो गई और नाउ वी मूव एट हियर। अब हम क्या करें कि अब हम कहते हैं कि फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पड़ा है कहां पड़ा हुआ है फोकल पॉइंट हमने आगे चलाया कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे पड़ा हो तो उसका इमेज कहां बनेगा नाउ लेट्स डू इट फोर उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा पड़ा है एफ के ऊपर इसके इसके लिए भी हम क्या करेंगे दो लाइनें बनाएंगे एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी बगैर मुड़े ऐसे ही किया ना बेटा सब कंडीशन में हमने जा रहे हैं कि सो रहे हैं जी एक रे गई सीधी ऑप्टिकल सेंटर से बगैर मुड़े ठीक है बेटा और दूसरी गई कहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये बेटा मैंने दोनों रेस बना दी है ठीक है बेटा जी।
ये दोनों रेज बंद। अब हमने क्या करना है, एक ये रे आपकी हेड से वही जॉब करनी बताई है। अब हम क्या करेंगे कि इस रे को हमने गुजारना है एफ से, कहां से गुजारना है एफ से, क्योंकि फोकल पॉइंट से गुजरेगी। तो जब ये फोकल पॉइंट से गुजरेगी तो आप हैरान होंगे कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, दोनों लाइनें पैरेलल। अब ये भी पैरेलल है और ये भी, ये कहीं भी नहीं मिल रही जी सर, ये ना आगे जाके मिलती है ना पीछे मिल रही है, ना आगे जाके। अब मैं इनको भी एफ और टू एफ को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको सही समझ आ सके। ये बेटा है इसका फोकल पॉइंट और ये डबल फोकल पॉइंट टू एफ। अब मुझे बताएं कि जब पैरेलल हो गई है तो चाहे हम इनको पीछे खेलते चाहे आगे लेके जाएं, ये इमेज कहीं भी नहीं बनेगी क्योंकि ये क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि जितनी बार की इमेज बनना जरूरी है तब बनता है जब ये लाइनें, जब ये रेस क्रॉस करे, जब ये रेस क्रॉस करे, क्योंकि इसमें जब ऑब्जेक्ट एफ पे पड़ा होगा तो उसकी जो रेस लेंथ में से गुजरेगी वो पैरेलल हो जाएंगी और वो कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करती, तो इस कंडीशन में इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज, या नो इमेज कहें या आप कहें कि ये इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा? लामहदूद फासले पे बनेगा। अब लामहदूद पे हम जा नहीं सकते, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इमेज बनेगी हमारे लिए, क्योंकि हम लामहदूद तक देख ही नहीं सकते, या हम कहेंगे कि इसका इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा? इंफिनिटी। किसे कहते हैं? लामहदूद, ठीक है। ये पैरेलल चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, तो हम क्या कहते हैं लामहदूद पे बनेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनमें प्रॉब्लम आया हो, कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन वो लामहदूद तक हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि इनके पैरेलल होने की वजह से कहीं भी इमेज नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ कंडीशन की जाने कि थोड़ा सा और लेंथ को आगे लेके चलते हैं। अब हम एफ और ओ के दरमियान रख सकते हैं, लेंथ और एफ के दरमियान रख सकते हैं, जैसे ये एनएफ के पास, एनएफ में बड़ा होता है ना ये बात, एनएफ होती है ये, इसमें तो ये मेरे बहुत करीब है क्योंकि मेरे जो आंख में लेंस है तो ये जो आंख है उसके बहुत करीब पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लेंस। तो अब आप समझे कि ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके हेड से भी दो लाइनें खींचते हैं, इसके हेड से भी एक से दो लाइनें, एक जो है प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल पैरेलल, ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना? वेरी गुड, आपने ये कल बना के भी डाल जी। तो ये होगी एक लाइन बेटा जो पैरेलल आ रही है, दूसरी हमने कहां से गुजारनी? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से गुजारनी है? ऑप्टिकल सेंटर जी। तो ये हम इसको क्रॉस कर देते हैं इसके हेड से ऑप्टिकल सेंटर में जी, ये आ गई और बगैर मुड़े गुजर गई, ऐसे ही होता है ना जी सर, जी सर। और ये जो लाइन है ये कहां से गुजरेगी? एफ से, फोकल पॉइंट से, फोकल पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर आ रही थी वो कहां से गुजरेगी? फोकल पॉइंट से, ये। अब ये रेज दोनों आप देखें कि यहां से ये लेंस के अंदर से प्रिंसिपल ऑफिस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और ये पैरेलल आई और ये यहां से फोकल पॉइंट से गुजरी, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी। अगर आप गौर से देखें तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये आगे जाके तो कहीं भी नहीं मिलेगी, तो इमेज कैसे बनेगा? वर्चुअल बनेगा, ये आगे जाके कहीं नहीं मिल रही लेकिन पीछे मिल सकती है वर्चुअली। तो अब हम क्या करेंगे, इन लाइनों को पीछे को लेके जाएंगे, इन लाइनों को जी। तो बच्चों ये कंडीशन है, यहां से आप देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और ऑप्टिकल सेंटर या लेंस के दरमियान पड़ा है, अभी हमने दो रेज गुजार दी, ये आगे एक दूसरे से दूर हो रही है, तो पीछे कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगे, कहीं ना कहीं जाके ये पीछे मिलेंगी। तो हम इनको जरा बड़ा करते हैं विर्चुअली, क्या करते हैं? विर्चुअली हम इनको बड़ा करते हैं जी। ये हमें थोड़ा सा यहां पे भी रिमूव करना पड़ेगा, तो बेटा अगर आप यहां से देखें तो ये जो इमेज है ये आगे जाके कहीं यहां पे जाके ये मिल रहे हैं टू एफ के
बाहर में जाके अगर हम इनको विशोधित करते तो यहाँ पे जाके ये मैच होती है। ठीक है बेटा? जी सर। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट कंडीशंस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है इसलिए ये अपराइट है, सीधा है, क्योंकि जितनी कंडीशन में भी ये नीचे बना है तो ये उल्टा, तो ये उल्टा है। इस कंडीशन में क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ये सीधा है। ठीक है, सबसे पहले सीधा है। और उसके पहले पोजीशन बताएं, पोजीशन क्या है? जैसे हमने सबकी पोजीशन बताई थी बियॉन्ड टू एल, पहली कंडीशन क्या है? बियॉन्ड टू एल, बियॉन्ड टू एल, टू एफ बन रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या है? अपराइट है, सीधा है। क्या है बेटा? जी है, अपराइट मीन सीधा है। क्या है? सीधा है। यहाँ पे क्या था? इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या था? इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या था? इन्वर्टेड। और यहाँ पे बना ही नहीं, तो ये अपराइट है क्योंकि ये वाइड है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ठीक है बेटा? अब तीसरी कंडीशन देखें तो वहां से नजर आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, बिगर। क्या है बेटा? लार्ज है। क्या है बेटा? लार्ज इमेज बनेगा। तो ये आपने तीन तीन कंडीशन बतानी है। जब भी मैं आपसे ये पूछूंगा या आपको टास्क दूंगा तो जो असाइनमेंट दूंगा बेटा कल के लिए टेस्ट जो है आपका, कि आपने ये फाइव कंडीशन याद करके आनी है और जो मैं चीज आपको बताऊंगा वो वही जो मैंने पहले बताई थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो टू एफ के पीछे है, कन्वेक्स लेंस है। बताए इमेज कहाँ बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? आपने ये पूरी नई डायग्राम बनानी है, दो लाइन खींचनी है, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, एक प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आएगी और लेंथ के बाद वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, जबकि ऑप्टिकल सेंटर वाली बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, जबकि पैरेलल आने वाली एफ से गुजरेगी। जहां वो क्रॉस करेगी वहां पे इमेज बनेगा, जहां वो क्रॉस करेगी वहां पे इमेज बनेगा। फर्स्ट कंडीशन में आपको बताऊंगा टू एफ से नीचे है, दूसरी में टू एफ और एफ के दरमियान है, तीसरी में टू एफ के ऊपर है और चौथी में एफ के ऊपर है और पांचवी में एफ और ओ के दरमियान है या एफ और लेंस के दरमियान है। आपने इन सब चीजों की रे डायग्राम बनाई। ठीक है बेटा? मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप इनको समझेंगे और इनसे विजडम हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।